जुडिशल अफसरान सख्त मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। जुडिशल अफसरान से इंसाफ की तवक्को रखता हूँ। जुडिशल अफसरान की इज्जत नफ्स का तहफ़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार शमीम खान का जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब। जेल रोड पर मां बेटी के कत्ल के बाद 1.5 साल बच्चे के अगवा का मामला, पुलिस ताहाल मकवी, 1.5 साल आहत का सुराख ना लगा सकी। मकतूला के भाई की मुदैयत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आमदन से जायद असासे मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के, शहबाज शरीफ फैमिली की तलबी का सिलसिला जारी। नैब ने हमजा शहबाज को आज तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश होंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल आज नैब लाहौर का दौरा करेंगे। चेयरमैन नैब को मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जराए के मुताबिक शरीफ खानदान से मुतालिक केसेस का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा, जबकि शरीफ फैमिली की खातीन को तलबी की बजाय तफसीली सवालनामा भेजने पर भी गौर होगा। नवाज शरीफ का छठी बार तिब्बी मुआयना, साबिक वजीर आजम सुबह 10:30 बजे शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के हमरा उनके जाती मौलिस डॉक्टर अदनान भी होंगे। पंजाब बार काउंसिल का नई जुडिशल पॉलिसी के खिलाफ जुजवी हड़ताल का ऐलान, वकला शहर समेत सूबे भर की अदालतों में पेश नहीं होंगे। नई जुडिशल पॉलिसी पर वकला को तहफ्फुज़ात हैं। पंजाब बार काउंसिल लाहौर हाई कोर्ट में पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव एयर मार्शल की तैनाती चैलेंज, अदालत ने वफाकी हुकूमत और पीआईए से जवाब तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन सैयद आज दरख्वास्त पर समाप्त करेंगे। आसिफ हाशमी के खिलाफ गैर कानूनी सरमायाकारी गुमशुदा फाइलों का मुकदमा, स्पेशल सेंट्रल अदालत ने केस पर समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फाइलें प्लॉटों के खरीदने और तबादले के मुतालिक थी। एफआईए प्रोसिक्यूटर और आमदन से जायद असासे सैयद जुनेद अरशद के खिलाफ मुकदमे पर समाअत आज होगी। मुलजिम जुनेद अरशद को जेल से एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी।